हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टॉप 10 फैमिली डॉग्स के बारे में, जो इंडिया में इजीली अवेलेबल है और आपकी फैमिली के साथ भी ये आसानी से रह सकते हैं। तो इनके बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारे टॉप 10 फैमिली डॉग्स की रैंकिंग में 10th नंबर पर है जर्मन शेपर्ड। जर्मन शेपर्ड इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में से एक है और बहुत से लोग इन्हें एज अ फैमिली डॉग घर में रखते हैं। ये बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग होते हैं और अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं। जर्मन शेपर्ड को आप छोटे बच्चों के साथ भी आसानी से रख सकते हैं, लेकिन इन्हें बचपन से ही छोटे बच्चों के साथ रखें ताकि ये उनके साथ अच्छी तरीके से सोशलाइज हो सके। जर्मन शेपर्ड इंडिया में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। 9th नंबर पर है डालमेशियन। डालमेशियन बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं और ये मीडियम साइज डॉग्स होते हैं, तो इसीलिए आप इन्हें मीडियम साइज के और लार्ज साइज के अपार्टमेंट में आसानी से रख सकते हैं। ये छोटे बच्चों के साथ बहुत ही केयरिंग और जेंटल भी होते हैं। डालमेशियन को अपनी फैमिली के साथ ही रहना पसंद है, तो इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें ज़्यादा देर तक घर में अकेले छोड़ के ना जाए। आज के इस एपिसोड में 8th नंबर पर है सेंट बर्नार्ड। सेंट बर्नार्ड को जेंटल जाइंट्स भी बोला जाता है। ये लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है और ये बर्फ और ठंडे इलाकों में रहने के लिए बनी है। इन्हें आप आसानी से अपनी फैमिली के साथ रख सकते हैं। सेंट बर्नार्ड को अपने ओनर और उनकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन सेंट बर्नार्ड को घर में एज अ पेट लाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें ज्यादा गर्म और ह्यूमिड वेदर में ना रखा जाए। ये ठंडे वेदर में रहने के लिए बने हैं। शेडिंग सीजन के दौरान इन्हें रेगुलर ग्रूमिंग की भी जरूरत होती है। 7th नंबर पर है बीगल। बीगल को शायद आपने आसपास की फैमिलीज के पास एज अ पेट जरूर देखा होगा, क्योंकि इनकी खास बात ये है कि ये बहुत ही सोशल डॉग्स होते हैं। ये आसानी से सारे फैमिली मेंबर्स के साथ घुल मिल जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बीगल को हमेशा एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करें। बीगल को फैमिली मेंबर में से कोई ना कोई हमेशा आसपास चाहिए होता है। अकेले घर पे होने पर बीगल या तो हाउलिंग करते हैं या फिर घर की चीज़ों को काटते हैं या फिर तोड़ते हैं। हमारे आज के इस एपिसोड के 6th नंबर पर है डैक्शंड। डैक्शंड स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है और आप इन्हें किसी भी टाइप के घर में रख सकते हैं, चाहे आपका घर छोटा ही क्यों ना हो, ये इजीली उस घर में रह सकते हैं। इस ब्रीड की खास बात ये है कि ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होती। अगर आपको कोई छोटा सा डॉग चाहिए जो किसी भी तरह के घर में रह सके, तो डैक्शंड आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी। 5th नंबर पर है इंडियन स्पिट्स। इंडियन स्पिट्स मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है और ये इंडियन है। आप इन्हें घर में एज अ वॉच डॉग भी रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्ट्रेंजर से खतरा महसूस होने पर ये चिल्लाकर अपने ओनर को अलर्ट कर देते हैं। ये ओल्ड एज लोगों के साथ बहुत ही आसानी से रह सकते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों के साथ जो इन्हें परेशान करते हैं उनके लिए थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। 4th नंबर पर है पग। पग स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है और आप इन्हें स्मॉल साइज के अपार्टमेंट और फ्लैट में भी आसानी से रख सकते हैं। चाहे आपकी फैमिली बड़ी हो या फिर छोटी हो, पग आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। ये हर किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा सोशल और फ्रेंडली होते हैं। हमारे टॉप 10 फैमिली डॉग्स की रैंकिंग में 3rd नंबर पर है द इंडियन परिया डॉग। इंडियन परिया डॉग स्ट्रीट डॉग्स को कहते हैं और आप इन्हें इजीली कहीं से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सोशल डॉग्स होते हैं और इन्हें ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत से अलग अलग कामों के लिए ट्रेन भी किए जा सकते हैं। इस एपिसोड के 2nd नंबर पर है गोल्डन रिट्रीवर। गोल्डन रिट्रीवर बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं और ये बहुत ही इजीली हर किसी के साथ सोशलाइज हो जाते हैं। ये छोटे बच्चों के साथ और बड़े लोगों के साथ भी आसानी से रह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। गोल्डन रिट्रीवर मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है। इन्हें हमेशा मीडियम साइज के या फिर लार्ज साइज के घरों में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव डॉग ब्रीड है। टॉप 10 फैमिली डॉग्स की रैंकिंग में 1st नंबर पर है लैब्राडोर। दोस्तों, इंडिया में मोस्ट पॉपुलर डॉग की रैंकिंग में लैब्राडोर नंबर 1 पोजीशन पर है, और वो इसलिए क्योंकि ये हर टाइप की फैमिली के साथ रह सकते हैं, चाहे आपके घर में छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं, तो अगर आप कोई नया डॉग ऐसा पेट घर में लाना चाहते हैं तो लैब्राडोर आपके लिए परफेक्ट चॉइस रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड टॉप 10 फैमिली डॉग्स के बारे में। और पॉपुलर डॉग ब्रीड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।